पहले के मुकाबले वोटर आईडी कार्ड में भी बहुत सारा अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हैं साइड में कुछ इस तरह का अपडेट आपको शो करेगा। यहीं से आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर कोई एप्लीकेशन दिए हैं तो यहीं से ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये आप आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक भी कर सकते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करना है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करके अपना शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ई एपिक डाउनलोड में गेट डिजिटल वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपका डिजिटल कार्ड भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। चलिए इसी को हम डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस पेज में आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम ई एपिक डाउनलोड इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड फिल करेंगे, ये कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो साइन अप फॉर न्यू यूज़र इस पे क्लिक करके आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप अपने पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ आपको लॉग आउट का ऑप्शन शो करने लगेगा। उसके बाद यहीं से आप सारा काम कर सकते हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद चलिए हम इसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम यहाँ ई एपिक डाउनलोड इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो इसको चूज़ करेंगे और रेफरेंस नंबर यहाँ फिल करेंगे। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एपिक नंबर है तो इसको चूज़ करेंगे और अपना यहाँ एपिक नंबर फिल करेंगे। यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते देखिए आपका यहाँ पर एपिक नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका रिलेटिव का नाम आएगा, आपका स्टेट, आपका अकाउंट सी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। इन सारा इन्फॉर्मेशन को आप मैच कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे कि देखिए मेरा ये वाला नंबर लिंक किया हुआ है तो यहाँ लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए हम सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे OTP आ गया है, वो OTP को हम यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड EAPIC इस पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन योर EAPIC फॉर द एपिक नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेट। ये डाउनलोड होकर के इस तरह से PDF में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे फोटो आता है, एक फ़ोटो यहाँ पर भी आता है, एक QR कोड भी आ जाता है। इस तरह से आप अपना वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।